रतीश, इस वक्त क्या वातावरण है वहां पर, क्या दृश्य है वो हमें दिखाइए भी और बताइए भी कि सुबह सबसे ताजा अपडेट वहां से जुड़ा हुआ, प्रियंका गांधी से जुड़ा हुआ, आपके पास क्या है? देखिए, ताज़ा अपडेट सबसे पहले ये है कि जो हमारे स्थानीय सहयोगी हैं वो ये बता रहे हैं कि सीतापुर की सीमाओं को सील किया जा रहा है, यानी किसी भी वीवीआईपी मूवमेंट को यहाँ पर होने की इजाज़त नहीं दी जाएगी किसी भी तरीके से। आज राहुल गांधी और सचिन पायलट को यहाँ पर पहुँचना है और पीएससी गेस्ट हाउस की तस्वीरें आपको दिखाएं। सबसे पहले यहाँ पे कांग्रेसी कार्यकर्ता जमे हुए हैं, जुटे हुए हैं और ये यहाँ से हटने की तैयारी नहीं कर रहे। रोहित चौधरी हमारे साथ हैं, राष्ट्रीय सचिव हैं कांग्रेस के, वो यहाँ पहुँच गए अपने कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाने के लिए। रोहित जी, ये निकल करके आ रहा है कि सीतापुर की सीमाओं को सील किया जा रहा है, आज राहुल गांधी को आना है, कैसे पहुँचेंगे, क्या बात हुई आपकी? देखिए, कल राहुल जी ने लिखित में जानकारी दी कि मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, मेंबर पार्लियामेंट हैं और किसानों के दुख दर्द में शामिल होना चाहते हैं। लेकिन एक अजीब सा रवैया इस उत्तर प्रदेश सरकार का और प्रशासन को देखने के लिए मिल रहा है कि आप जा नहीं सकते, लोगों से मिल नहीं सकते, कोई धरना प्रदर्शन और नेतागिरी करने कोई नहीं जा रहा, सिर्फ परिवारों को सांत्वना देने के लिए। आपने बहुत सही बात कही कि नेतागिरी कोई करने नहीं आ रहा, लेकिन सरकार का यही तो आशंका है कि सरकार कह रही है कि माहौल बिगड़ सकता है, माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा सकती है सियासी रंग देने के लिए, सियासी फायदा उठाने। देखिए, जब केंद्रीय मंत्री का बेटा अपनी गाड़ी से किसानों को कुचल दे तो वो माहौल ठीक है, और जब कोई उनके दुख दर्द में शामिल हो जाए तो उससे माहौल बिगड़ सकता है। तो ये बड़ी अजीब सी सोच बीजेपी सरकार की और योगी सरकार की देखने को मिल रही है कि मारने वाला माहौल ठीक कर रहा है और संतावना देने वाला माहौल बिगाड़ रहा है। राहुल गांधी से आपकी बातचीत हुई है, राहुल गांधी यहाँ पर पहुँचने के लिए कोशिश कर रहे हैं, कितने बजे तक यहाँ पर पहुँचेंगे, क्या आप लोगों को बताया गया? देखिए, 1 बजे करीब वो लखनऊ एयरपोर्ट पर पहुँचेंगे और फिर गाड़ियों के साथ वो अपने लखीमपुर और जो किसान परिवार है उनसे मिलने का प्रोग्राम है। और सरकार रोकने का नतीजा आप देख ही रहे हैं, प्रियंका जी को उन्होंने नज़रबंद कर रखा है ऐसी पुलिस लाइन के अंदर, और मैं समझता हूँ कि चाहे प्रियंका जी हों, राहुल जी हों, ना ये डरने वाले हैं ना दबने वाले हैं, और हमारे कार्यकर्ता भी मजबूती के साथ डटे हुए हैं और जब तक संघर्ष होगा देखा जाएगा। अरे रतीश जी, जरूर जानने की कोशिश करिए, अगर इस तरह से सीमाओं को सील कर दिया गया और राहुल गांधी सीतापुर नहीं पहुंच पाए और सचिन पायलट वहां पर नहीं पहुंच पाए और प्रियंका गिरफ्त में ही रही, तो ये लोग कब तक वहां पर डटे रहेंगे, क्या इरादे हैं इनके? रतीश, बिल्कुल देखिए, राहुल गांधी को अगर सरकार ने नहीं आने दिया, परमिशन नहीं दी, प्रियंका गांधी को अंदर ही बंद रखा गया, तो आप लोगों का क्या मूव रहेगा, क्या आप लोग करेंगे, ऐसे ही यहाँ पर डटे रहेंगे? देखिए, हम सब जो गांधी जी ने बोला है कि जब तक जगाने के लिए बैठना है, जागरण करना है, भजन करना है, हम सब शांतिपूर्वक यहाँ पे बैठे हैं, जब तक परिवारों से मिल नहीं लेंगे प्रियंका जी, राहुल जी, ये सब हम लोग का ये संघर्ष यहाँ पे जारी रहेगा। कोशिश है कि यहाँ से प्रियंका गांधी को हटाया जाए किसी तरीके से, क्योंकि लगातार वो दलीलें दी जा रही हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिगड़ सकती है, तो इस पर आप लोग क्या करेंगे? मतलब आप लोग कह रहे हैं कि शांति से आप लोग बैठे रहेंगे, अगर नहीं आने दिया जाता है किसी बड़े नेता को आपको तो यहाँ पर क्या स्थिति देखी? देखिए, स्थिति बड़ी अजीबोगरीब है, वो कहते हैं कि आप लखनऊ जाएं और हमारी नेता कहती है मुझे किसानों से मिलना है, तो जब तक आपको याद होगा कि एक बारी वहाँ पे अपना जिला चंदौली सोनभद्र में भी इसी प्रकार का एक आदिवासी परिवारों के साथ हुआ था और प्रियंका जी वहीं पे ही सड़क के ऊपर ही धरने पे बैठ गई थी। तो मैं समझता हूँ कि प्रियंका जी के स्वभाव को भी सरकार को समझना होगा, अगर उन्होंने ठान लिया है वो जाएंगी तो जब तक मिल नहीं लेंगी, जाना चाहती तो कब की चली जाती, लेकिन उन्होंने ठान लिया मैं मिलकर जाऊंगी तो वो यहाँ पे डटी रहेंगी। चौधरी साफ तौर पे कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी अगर जिद पर अड़ी हैं तो मिलना उनका तय है, मिलना वो चाहती हैं, सरकार कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से माहौल ना बिगड़े और शांतिपूर्वक ढंग से जैसे हल निकालने की कोशिश की जा रही है वैसे इसका हल निकाल लिया जाए। लेकिन राहुल गांधी वहां से दिल्ली से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लखीमपुर जाने की इजाजत मांग रहे हैं। बड़ी अपडेट आपने रतीश दी है वो फिर से मैं दर्शकों को बता दूं।